जयम चो मजामा। मेरे वीरो, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और अब उनके भाई लोग का बिग बिग थैंक यू। आप सभी ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, जिसकी बदौलत आज हमारी 1 लाख से ऊपर की स्ट्रॉन्ग यूट्यूब फैमिली बन चुकी है। अरे मामा, तुम लोग के प्यार ने अब उनका दिल गार्डन गार्डन कर दिया रे। इस दिवाली के पावन अवसर पर हम भी दुआ करते हैं कि आप और आपका परिवार जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे और अपने जीवन में बुलंदियों पर पहुंचे। खैर, क्राइम वर्ल्ड की कहानी में आज बात करना मन था एक हत्याकांड की। भाई लोग, मुझे वाला हत्याकांड जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। लेकिन आज से 4 साल पहले हरियाणा के फरीदाबाद में भी खूनी खेल खेला गया था। सिस्टम में बैठे एक पावरफुल और यूथ आइकॉन को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था। इस हत्याकांड के बाद हरियाणवी सियासत में हल्ला मच गया था। तो आइए जानते हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता को क्यों मार दिया गया था। हरियाणा फरीदाबाद, यहाँ एक यंग नौजवान नाम विकास चौधरी, जो अपने दमखम के चलते राजनीति में घुसता है। शुरू शुरू में इनेलो में काम किया, लेकिन इनेलो के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने जब उन्हें टिकट ना दिया तो विकास चौधरी इनेलो छोड़कर कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में वहाँ बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे, उन्हें कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता का पद दिया गया। लेकिन तेजी से बढ़ती उनकी लोकप्रियता कुछ लोगों को राजना आई और इन्हीं में से एक था हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी। उस वक्त कौशल चौधरी हिंदुस्तान छोड़कर दुबई में बैठा था और वहीं से अपना संगठन चला रहा था। उसने विकास चौधरी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। जब रंगदारी नाम मिली तो धमकियां देने लगा, लेकिन विकास चौधरी को कोई फर्क ना पड़ा। इस बात ने कौशल चौधरी के ईगो को हर्ट कर दिया और विकास चौधरी को खत्म करने की ठान ली। जून का महीना साल था 2019 का। दुबई से कौशल चौधरी हक्की प्लानिंग बना चुका था। 10-11 गैंगस्टरों की पूरी फौज तैयार हो चुकी थी, असले बारूद भी मंगवा लिए थे, पैसों की कमी पूरी कर दी कौशल की धर्म पत्नी रोशनी ने। 24 जून 2019 फरीदाबाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी शहर में आई। स्कॉर्पियो लेकर आने वाला हरियाणवी गैंगस्टर टेकचंद का शार्प शूटर सचिन था। वह अतुल और सौरभ को फरीदाबाद में छोड़कर चला जाता है। इन दोनों शूटरों का काम था विकास चौधरी की रैंकी करने का। इन दोनों ने रैंकी शुरू कर दी। विकास चौधरी की गाड़ी का नंबर नोट किया। चौधरी किस गाड़ी में आता जाता है, कहाँ कहाँ जाता है, कब बाउंसर उसके साथ नहीं रहते, ये सारी बातें जानने के बाद गैंग को लीड करने वाले माइन शूटर को जानकारी भेज दी। रविवार का वह दिन 27 जून 2019 फरीदाबाद। हर रोज की तरह आज भी सूरज पूरब से निकलता है। फरीदाबाद के लोग अपने कामकाज के वास्ते घर से निकलते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि आज फरीदाबाद गोलियों की आवाज से गूंजने वाला है। आज भी विकास चौधरी अपनी गाड़ी लेकर जिम करने घर से निकलता है। करीब 8 बजे फरीदाबाद के सेक्टर 9 की उड़ा मार्केट में बने जिम में जिम करने पहुंचते हैं। इधर कौशल चौधरी की पूरी गैंग फरीदाबाद में एंटर हो जाती है। इनको पहले से मालूम था कि जिम में विकास चौधरी अकेला होएगा। 3 गाड़ियां SX4 एसेंट और स्विफ्ट जिम के बाहर आकर रुकती है। SX4 को खेड़ी निवासी सचिन चला रहा था। उसमें गैंगस्टर सज्जन और बोलू, विकास माले और अन्य 2 शूटर सवार थे। ये विकास माले पंजाबी कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अंबिया को मारने आए शूटरों में शामिल था। वहीं स्विफ्ट डिजायर में फरीदपुर निवासी सौरभ अतुल और रोहतक निवासी सुनील उर्फ मोनू था। वहीं एसेंट गाड़ी में सोनीपत निवासी अमरदीप उर्फ हनी था। ये लोग घात लगाए तैयार थे। जैसे ही 9:05 का समय हुआ कि विकास चौधरी जिम से बाहर निकला, अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था, वही टाइम पे गैंगस्टर विकास माले और सज्जन उर्फ बोलू दौड़ते हुए आए। ताबड़तोड़ विकास चौधरी के ऊपर 9-10 राउंड गोलियां बरसाई। जब इन शूटरों को लगा कि विकास चौधरी के जीवन की डोर कट चुकी है, तुरंत तीनों गाड़ियां मोकाए वारदात से रफूचक्कर हो गई। इधर जिम के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि मरने वाला कोई साधारण शख्स नहीं था। पूरे सूबे में हल्ला मच गया। आनन फानन में विकास चौधरी को सर्वोदय अस्पताल लाया गया, लेकिन काफी खून बहने की वजह से
उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इधर विकास चौधरी की मौत ने अक्के हरियाणा में सियासी घमासान मचा डाला। पुलिस पर दबाव बढ़ा, लिहाजा कमिश्नर ने 5 टीमें बनाई। 4 और छापेमारी का दौर शुरू हुआ और इस केस में पहली गिरफ्तारी हुई गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी रोशनी और उसके नौकर चांद की। इधर दूसरे शूटर भागकर सोनीपत होते हुए दिल्ली गए, जहां कुछ गैंगस्टरों ने उन्हें पनाह दी। इधर इंस्पेक्टर विमल की टीम ने सौरभ और अतुल को तिंगाव से स्विफ्ट कार समेत गिरफ्तार किया। वहीं एसेट कार में सवार 5 शूटरों को सूरजकुंड नाके से उठाया गया। इसके बाद सज्जन उर्फ भोलू और विकास माले को दिल्ली की स्पेशल सेल ने उठाया। यानी इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले सारे हमलावर अब सलाखों के पीछे हैं। वहीं कौशल चौधरी को दुबई से लौटते वक्त एयरपोर्ट से उठाया गया। कहने का मतलब, बुराई का अंत बुराई होता है, तो मेरे वीरों कभी ऐसा काम मत करो कि लोग आपसे नफरत करें, बल्कि ऐसा काम करो कि आपकी मिसाल दी जाए। तो फिर चलो, इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।